अभी एक आदमी मौत हुआ है, हम यहाँ 500 घर, 500 जनसंख्या, 500 ही जान देंगे। मरे हैं वो आपका ससुर जी, ससुर जी थे। उन लोग ने 10 लड़का को पैक कर लिया गाड़ी में। उस समय हम सब रोने लगा तो झोटा पकड़ पकड़ के महिला पुलिस ने मारने लगा। बात करने के लिए भगत सिंह अपना गलम फांसी लगाया था, कोई गाँव के लगा हम फांसी लगाएंगे अपने गाँव के लिए। आपको बता दें मित्रों, अभी हम ग्राम मोतनाजे और मधुबन में है, ये नवादा जिला का एक बॉर्डर है, उधर से ये नालंदा जिला पड़ता है। और एक बार हम यहाँ का एक वीडियो बनाए थे कि इस गांव को खाली कराने के लिए यहाँ का पुलिस प्रशासन रोज इन लोग को दबाव डालते हैं कि खाली किए, यहाँ पर एक वाटर टैंक बनेगा, फेज टू का निर्माण होगा। फेज वन जस्ट बगल में बना हुआ है, फेज टू का निर्माण होगा। ये दो गांव में लगभग 5 से 10 हज़ार का परिवार है, ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और इस घटना के पीछे बहुत बड़ा साजिश भी हो सकता है, क्या लग रहा है? बड़े 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 महारथी, बड़े बड़े नेता का हाथ है इसमें। और एक चीज़ और बता दे कि कल यहाँ पर एक आदमी का पुलिस प्रशासन जब उनसे पूछ रहे थे कि आप लोग खाली करना होगा, लगभग 200-300 के करीब करीब पुलिस यहाँ फोर्स थे और लोग मना कर रहे थे, तो वहीं पे एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। और इन लोग से बातचीत करने आए हैं कि क्या कुछ हुआ है उस दिन, कल का क्या घटना रहा, इन लोगों को कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, क्या लग रहा है सरकार इन लोग को मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आप ये दुख का बयान नहीं कर सकते हम किस तरह से, लेकिन क्या कुछ हुआ था कल के डेट में वो बताइएगा। कल धारणा पर हम लोग थे और सरकार के तरफ से ढेर सा फोर्स आल था और प्रशासन SDO वगैरह ये सब आके, और वो लोग मतलब कि जबरदस्ती हम लोग को जमीन में रॉयल टेस्ट करना चाह रहा था, तो हम लोग नहीं करने दे रहे। मेरा कहना था कि जमीन हम देवे नहीं करेंगे तो सॉइल टेस्ट आप क्यों कर रहे हैं भाई जबरदस्ती। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे थे, दिन भर धरना पर रहे, शाम में बहुत उड़दंग कर दिए सिपाही लोग और डंटा लाठी चार्ज भी किए, और उससे मतलब कि आदमी वो चोट उट वगैरह लगा और जो मेरा चचा थे वो डेट कर गए, डेट कर गए। मतलब बोला जा रहा है कि वो मना कर रहे थे कि सर हमारे साथ इस तरह नहीं कीजिए। हाँ, बल हमारा अति छोड़ दीजिए, जमीन को क्यों हम लोग को उजाड़ रहे हैं, हम लोग को बहुत पूर्वज से बसे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, इसी तरह से मना कर रहे थे। तो एक दो डंटा लगा, बुजुर्ग आदमी थे तो आज रोड पर खड़े थे। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर, रामेश्वर यादव जी हैं जी। क्या कुछ हुआ था कल की घटना को? कल थे वहाँ पे? हाँ थे। तो वो जगह माने रोड पर थे, जो जाम किए हुए थे, तो उसी समय माने उस समय माने दिन भर तो सही रह गया, उसे सांझ में पुलिस है जो DM के कहने पर लाठीचार्ज किया। मतलब DM के कहने पर पुलिस पदाधिकारी जितने भी हैं, SDM के कहने पर लाठी चार्ज किए हैं, उसके बाद उनको चोट लगा, वो गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। तो उनको टांग के ले गए हैं तो फिर दिखाने के लिए तो मर गए हैं, डेट कर गए। देख लीजिए किस तरह से इस गांव में इस तरह किया जा रहा है। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी। चिंता देवी कहे का चिंता, इधर आइए, इधर पूरा घूमिए इसे। कल क्या हुआ था उस घटना समय थे आप? कल हम सब लोग धरना दिए, हाँ। बस महिला लोग सब मारने लगा, DSP साहब ऑर्डर दिया, दरोगा भी ऑर्डर दिया, हाँ। DM सर 4 बजे एकदम समा में मारने लगा, डंटा चलाने लगा, रोड़ा चलाने लगा, और उसको मारा माथा पर, मर गया डंटा से, हमनी सब के हाथ पर रोड़ा से पत्थर से, और कहता चलो थाना केस करेंगी तो आप ही पर कुल के बैठाने लगा गाड़ी से, धमकी दिया, जेल दे देंगे। क्या कहना है? कहना है कि हमको जमीन छोड़ दे, जमीन हमको छोड़ दे, अब तो मरिए गया, हाँ। मेरा जमीन नहीं देंगी, अब तो मर एक गया। मरे चाहे पूरा गांव मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगी, हाँ? क्या बोले? अभी कितना के मौत होगा जो क्या पता है, हाँ। कल है क्या बोले? क्या नाम हुआ आपका? नगेंद्र यादव नाम हुआ। क्या बोल रहे थे? मतलब जैसे जो है यहाँ का जो आप लोग का गार्जियन था वो चले गए, हम लोग वहाँ पे हमारा जमीन और गांव को खाली कराना चाहते,
चाहता है, नीतीश कुमार जो यहाँ फेज टू गंगा जल उज्जवल बनाना चाहता है, उसमें हम लोग एक बार जमीन दे चुके हैं, दोबारा जमीन नहीं देंगे। और हम लोग कल वही आए थे बोरिंग करने टेस्ट करने के लिए जमीन को, तो हम लोग उनको रोकने गए कि हमारे जमीन में रोक नहीं नहीं कर सकते हैं बोरिंग। तो हम लोग वहाँ धरना दिए दिन भर, वहाँ पर प्रशासन भी रहा, हम लोग दिन भर वहाँ रहे। और जैसे शाम हुआ करीब 6 बजे के लमसम, जैसे अंधार हुआ, अंधार का मौका ले देख कर और जबरदस्ती लोगों को अपना जो जो पुलिस का ट्रक होता है बस, उसमें पकड़ पकड़ के बंद करने लगे। 8-10 लोगों को बंद किया, कुछ लोग वहाँ भागना शुरू किया, उसी में जो आदमी आज मृत्यु हुआ उनको भी चोट लगा, डंट आने लाठी चार्ज करवाया एसटीएम और नवादक जितना पदाधिकारी है सबके आदेश से लाठी चार्ज हुआ, उनको लाठी लगा, चोट लगा और रात में हम लोग हॉस्पिटल ले गए और सुबह उनकी मौत का खबर आया। सुबह मौत हो गई। अभी एक आदमी मौत हुआ है। हम यहाँ 500 घर, 500 जनसंख्या, 500 ही जान देंगे, 500 जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम 500 लोग मर जाएंगे, अभी तो एक आदमी मरे है, अभी हम 500 मरने के लिए तैयार है। 500 तैयार, नीतीश कुमार आवे चाहे नवादक डीएम आवे, जमीन हम नहीं देंगे। सरकार कह रही है हम इसके लिए जमीन दे रहे हैं उनको, बसा कोई नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, जो हमको जन्म भूमि है यही रहना यही मरना है। जैसे आज हमारे आजाद जी मर गए, यही जन्म लिए थे और यही उनका मौत हुआ, इसी तरह से हम लोग भी पूरा बड़े मौत हो जाएंगे, मर जाएंगे, मरना कबूल, मरना को जमीन नहीं देंगे। इनका कहना है कि आज एक मौत हुई है और आने वाला समय में जितने हमारे घर गांव में है और हम लोग सब बलिदान दे देंगे इस गांव के लिए, बचाने के लिए हम मौत घाट चल सकते हैं लेकिन ये जमीन नहीं दे सकते। इनका कहना ये है कि अभी एक हो चुका है ना, अभी यहाँ पे लाखों और हजारों लोग है, 500,000 लोग है सबको। अभी जो मौत हुआ है इसके ऊपर नवादक जितना पदाधिकारी है सबके ऊपर मुद्दाले बनाएंगे और ये जो मेगा कंपनी के इंचार्ज है, ये जो भी इंचार्ज है उन पे, जो मेगा कंपनी का नागराज है उसको भी इसमें मुद्दाले बनाएंगे। उसी कारनामा से ही काम हो रहा है, उसी कारनामा से काम हो रहा है। मेघक जो इधर है, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। जिस समय उन लोग ने 10 लड़का को पैक कर लिया गाड़ी में, उस समय हम सब रोने लगा तो झोटा पकड़ पकड़ के महिला पुलिस ने मारने लगा, उस पर 2 डंडा 4 डंडा जो भी लगे उसको बेहोश हो गया। जब हम सब रोने लगा तो महिला पुलिस क्या बोला कि नहीं, इन लोग नकल कर रहा है, नकल कर रहा है, से इसको मारो, रख दो, मारो, 8 डंडा से मारने लगा। एम्बुलेंस के फोन किया कि आइए आइए, तब तक मोटरसाइकिल से उसको हॉस्पिटल ले गए। देखिए आज रात में उसको मौत हो गया, सोचिए एक मरना है लेकिन टोटल मर जाएंगे, मर गया तो मरिएगा लेकिन टोटल मर जाएंगे। परसों देख लीजिए, अगर यहाँ दिखाते रहे तो हर लोगों का इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है गाँव खाली करने के लिए, यहाँ तक कि यहाँ से उठा कर महिलाएं लोग को, इनका कहना है, इनका अति आरोप है कि हम लोग को जो है बाल पकड़ के मारा जाता है, घसीटा जाता है, झोटा पकड़ कर, रायती गांव में कहावत है, झोटा पकड़ कर इनको मारा जाता है। और इनका कहना है कि हम सर हर चीज को सहेंगे और लड़ाई जब तक लड़ता रहेंगे, चाहे सरकार ही क्यों नहीं लड़ाई, हमको नीतीश कुमार से लड़ना होगा, हम उनसे भी लड़ेंगे लड़ाई, लेकिन जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। कुछ और था कि तुम लोग क्या FIR करेंगे, तुम लोग को सारा गांव के जेल में ठुका देंगे, जबरदस्ती किया जा रहा है। कुछ और महिला लोग है, इनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सब तो मार डेंगा के धर दल को मर जीवे तो परसों गिर गए, एक बार रतिया मर गए, साफ होगा आप लोग का। हिम्मत बांधिए, लड़िए। जब देश गुलाम था उस समय जब आजाद हो चुका है तो इस गांव आजाद नहीं होगा जी। कौची आजाद हो तो बउआ, जब मैं न लेजे तो मर गए सबके, तो मार दल को सब मर जीवो, बाकी जमीन नहीं देवो, सब मर जीवो, जमीन नहीं देवो। देख लीजिए, थोड़ा कैमरे सामने लाइएगा, आंसू सबका चल रहा है। जिस तरह से देश आजाद करने के लिए भगत सिंह अपना गलम फांसी लगाया था, कोई गांव के लगाम फांसी लगाएंगे अपने गांव के लिए? आप लगाइएगा के फांसी, दिखा देंगे DM SP को। देख लीजिए गांव का किस तरह हालत है आज, लोग रो रो के बुरा हाल है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है इस गांव में, देख रोते क्यों है? आपका इंसाफ होगा? क्या नाम हुआ आपका? देख लीजिए क्या इंसाफ है यहाँ। यहाँ सरकार का कहना है कि हम लोग का क्या गलती हुआ और हम लोग का आज एक जान गया, आने वाला समय में बहुत जान जाएगा। क्या लग रहा है सरकार से, कुछ उम्मीद नहीं लग रही? कोई उम्मीद नहीं, सरकार दोहरी नीति यहाँ के कर रही है, जानता यहाँ को उजाड़ना चाह रही है।
सरकार यहाँ जानता हूँ जानना चाह रही है बैकवर्ड चलते। अच्छा कोर्ट वगैरह में पेपर गया था, सुन रहे यहाँ का पेपर आज ही फैसला होने वाला है। हाँ। आज ही कोर्ट आज ही फैसला होने वाला। हाँ। आज का एक कोर्ट बोला है कि जब तक हमारा फैसला न होगा काम नहीं कर सकते यहाँ। अब हम लोग कागज भी दिखाए थे, कोर्ट का भी फैसला ये लोग नहीं मान रहे। एसडीएम को हम कागज दिखाए थे मधुबन स्कूल में कि यहाँ देखिए लिखा है काम नहीं कर सकते जब तक यहाँ कोर्ट से आदेश नहीं होगा। और जबरदस्ती काम करा रहा है दो दिन से, जबरदस्ती करा रहा है, लाइन कटवा के ऐसे कर रहा है, मार कर कटवा के सिपाही लोग औरत जोरत छेड़खानी भी किया है। हाँ हाँ, लाइन कटवा दिया है अंधेरे में और कुछ औरत जोरत छेड़खानी भी किया है। सबके झोटे पकड़ पकड़ के महिला पुलिस ने मारा हम लोग। आप लोग से विनती करते रोइए नहीं, इंसाफ मिलेगा आप लोगों को, जरूर मिलेगा। दुर्घटना चोट लग गया था, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उनका मर गए, मरे हैं वो आपका ससुर जी, ससुर जी थे। देख लीजिए इस गांव का जो बुजुर्ग थे, इस गांव का जो गार्जियन थे, उनका ही देहांत हो चुका है। तो बता सकते हैं कि किस तरह सरकार जो है नाकामयाबी यहां दिखा रहे, और इनका कहना है कि हम लोग ग्रामीण पर अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग ग्रामीण कब तक सहेंगे, हम लोग जान दे रहे हैं लेकिन अब कुछ नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस पे सरकार की खड़ी बेइज्जती है, क्या लग रहा है सरकार नाकाम है? क्योंकि लोग अगर ये बात फैलता है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की और बिहार की बदनामी है कि डर धमका कर इस गांव को खाली करवा कर वहां ने बिहार सरकार इस तरह काम करवाए, फेज टू का निर्माण कराए। क्या लग रहा है कि एक जलाशय बनाने के लिए एक गांव खाली कराना जरूरी है? ऐसे तो बिहार सरकार के पास जमीनें बहुत ज्यादा है, कहीं भी वो अपना बना सकते हैं, इस गांव को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या लग रहा है इस गांव से कोई पर्सनली दुश्मनी है? अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, उस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि बड़े बड़े हस्ती देखे, बड़े बड़े मंत्री देखे, बड़े बड़े राजनीतिक गुरु देखे और इस पर एक्शन लेके, जिस तरह नवादा अग्निकांड को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, बड़े बड़े हस्तियां ने ट्वीट किए थे, उसी तरह इस घटना को भी ट्वीट करे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है नवादा में बड़े बड़े घटना का अंजाम हो रहा है, उसी तरह से ये भी है। और ये तो ऐसा है, वो तो जलाया गया था 5 घर और ये पूरा बस्ती फूका जा रहा है, कहीं ना कहीं की 2 गांव मोतनाजा और मधुबन फूका ही जा रहा है ना। जब इनको तोड़ दिया जाएगा, इनको घर से वंचित कर दिया जाएगा, इनको अपना जमीन से बेदघर किया जाएगा, तो एक तरह से गांव बर्बाद हो गया, इनका घर कहां जाएगा? इन लोग का ना जिस तरह बाप दादा हमारा यहां जन्मे हैं मरे हैं, उसी तरह हम भी जन्मेंगे और आगे भी हम लोग का पूरा परिवार इसी तरह यहीं रहेंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी इन लोगों के लिए एक बार शेयर आप जरूर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।